हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने IQ Neo 7 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन की जो नेटवर्क की प्रॉब्लम है उसे आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि आपको अपने मोबाइल फोन की जो नेटवर्क सेटिंग है उसे आपको रीसेट कर देना है। कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे मोबाइल फोन की जो नेटवर्क सेटिंग होती है वो ठीक तरीके से काम नहीं करती, जिसके कारण हमारे मोबाइल फोन में नेटवर्क का इशू आ जाता है, ठीक है ना। तो आपको नेटवर्क सेटिंग रीसेट कैसे करनी है, देखिए आपको ना मोबाइल फोन का आपको सेटिंग पेज ओपन करना है। इसके अंदर आपको जो है सबसे नीचे ये ऑप्शन मिलेगा सिस्टम का, इसे आपको टैप करना है। इसके अंदर आपको ये ऑप्शन मिलेगा रीसेट ऑप्शन, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको सबसे ऊपर ये ऑप्शन मिलेगा रीसेट वाईफाई मोबाइल एंड ब्लूटूथ का, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन मिलता है रीसेट सेटिंग, इसे टैप करना है। अब जो भी स्क्रीन लॉक आपने अपने मोबाइल फोन पे लगा रखा होगा वो आपको सामने दिखाई देगा। यहां पर आपको अपना मोबाइल फोन का स्क्रीन लॉक एंटर करना है। यहाँ पर स्क्रीन लॉक एंटर करने के बाद राइट क्लिक करना है, तो आपको नेक्स्ट पेज में सबसे ऊपर लिखा हुआ दिखाई देगा रीसेट ऑल नेटवर्क सेटिंग। तो आपको नीचे की साइड ये रीसेट सेटिंग पे टैप करना है, तो आपको नीचे लिखा हुआ आ जाएगा नेटवर्क सेटिंग हैव बीन रीसेट। तो इस तरीके से आप मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग को रीसेट कर देंगे, तो आपके मोबाइल फोन की जो नेटवर्क प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना। अब दोस्तों, इसके बाद आपको अगला प्रोसेस यहाँ पे करना क्या है कि आपको अपने मोबाइल फोन को जो है ना एक बार रीस्टार्ट कर लेना है, ठीक है। मोबाइल फोन को रीस्टार्ट कैसे करेंगे, देखिए मोबाइल फोन के साइड में जो पावर बटन होता है ना, पावर बटन को आपको उंगली से दबा के रखना है, ठीक है। तो आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन के सामने एक छोटा सा पेज ओपन हो जाएगा इस तरीके का। इसमें आपको रीस्टार्ट का ये बटन मिलता है, रीस्टार्ट पे टैप कर देना है। इससे क्या होगा कि आपका मोबाइल फोन जो है ना ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद जो है ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से क्या होता है कि हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में और कोई कमी आ जाती है तो कमियां जो है दूर हो जाती है। जैसे कि मोबाइल फोन हैंग करता है, मोबाइल फोन में नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, ऐसे बहुत सारी एंड्रॉइड सिस्टम की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है फोन को रीस्टार्ट करने से। एक बार अपने फोन को रीस्टार्ट जरूर कर लीजिए, ठीक है ना। अब दोस्तों, इसके बाद आपको अगला प्रोसेस यहां पे करना क्या है कि आपको जो है अपने मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज में आपको जो है ना सबसे ऊपर की साइड में आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा, ये वाला, ये नेटवर्क एंड इंटरनेट का, नेटवर्क एंड इंटरनेट पे सेलेक्ट करना है। इसके अंदर आपको ये सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क पे सेलेक्ट करना है। इसके अंदर आपको अपनी सिम सेलेक्ट करनी है, सिम सेलेक्ट करनी है, और इसके बाद आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन मिलता है प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप का, इसे आपको टैप करना है। तो यहाँ पर अगर आपका मोबाइल फोन जो है 5G का है तो 5G के सामने वाले सर्कल पे टिक मार्क लगाना है। अगर आपका मोबाइल फोन 4G का है तो 4G के सामने वाले सर्कल पे टिक मार्क लगाना है। अब इसके बाद आपको प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप के ठीक नीचे आपको ये ऑप्शन मिलेगा एक्सेस पॉइंट नेम का, इसे टैप करना है। तो आपका APN का पेज ओपन होगा। इस पेज में आपको सबसे ऊपर ये 3 डॉट का ऑप्शन टैप करना है, तो एक छोटा पेज ओपन हो जाएगा रीसेट टू डिफॉल्ट का, इसे टैप करना है। तो नीचे लिखा हुआ आ जाएगा रीसेट डिफॉल्ट APN सेटिंग। तो APN सेटिंग को आप रीसेट कर देंगे ना, तो आपके मोबाइल फोन की जो नेटवर्क की प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों, आपको अगला प्रोसेस यहाँ पे करना क्या है कि आपको अपने मोबाइल फोन का यहाँ पे सिस्टम चेक कर लेना है कि वो अपडेटेड है या नहीं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे मोबाइल फोन का सिस्टम का अपडेट आता है, हमें पता भी नहीं चलता है, जिसके कारण हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में कुछ कमियां आना शुरू हो जाती है। तो मोबाइल फोन का सिस्टम अपडेट है या नहीं आपको कैसे चेक करना है, देखिए मोबाइल फोन का सबसे पहले तो इंटरनेट आपको चालू रखना है। इसके बाद आपको मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको जो है नीचे की साइड ये ऑप्शन मिल जाएगा सिस्टम अपडेट का, इसे टैप करना है। इसके अंदर अगर आपको कोई भी अपडेट का ऑप्शन नजर आता है तो उसे आपको टैप कर देना है, इससे आपका मोबाइल फोन का सिस्टम अपडेट हो जाएगा। अपडेट होने में कुछ समय लेगा, तो सिस्टम का अपडेट पूरा प्रोसेस आपको पूरा कंप्लीट होने देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सिस्टम अपडेट हो जाएगा तो आपके मोबाइल फोन में जो नेटवर्क की प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। इसके बाद आपको अगला प्रोसेस यहाँ पे करना क्या है कि आपको अपने मोबाइल फोन को नेटवर्क रीसेट कर देना है, ठीक है। रीसेट कैसे करेंगे, देखिए मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करेंगे तो इसमें आपको सबसे नीचे सिस्टम का ऑप्शन मिलेगा, इसे आपको टैप करना है। इसके अंदर आपको रीसेट ऑप्शन मिलेगा, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको ये इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे टैप करेंगे तो आपका मोबाइल फोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपके मोबाइल फोन में जो नेटवर्क की प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पर दोस्तों, आपको रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि आपके मोबाइल फोन में जितना भी डेटा है ना, वो सारा डेटा आपको किसी दूसरे मोबाइल फोन में ट्रांसफर कर लेना है, या फिर आप जो है ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं, दूसरा मोबाइल फोन नहीं है, तो आपको जो है ना बैक पेज पे आके ये जो बैकअप एंड रीस्टोर का ऑप्शन मिलता है इसे आप टैप करेंगे, तो इसके अंदर आपको ऑटोमेटिक रीस्टोर के सामने वाला बटन आपको चालू कर लेना है, ठीक है। बैकअप डेटा या ये जो भी ऑप्शन आपके फोन में है वो आपको चालू कर लेना है, इससे आपके मोबाइल फोन का डेटा सेव रहेगा। रीसेट कर देंगे तो भी वो डिलीट नहीं होगा, ठीक है ना। तो आपको ये बैकअप का जो ऑप्शन है ये आपको प्रोसेस में लेगा थोड़ा सा, ये प्रोसेस आपको पूरा कंप्लीट होने देना है, तभी आपको रीसेट करना है, ठीक है। और दोस्तों, दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है रीसेट करने से पहले कि आपके मोबाइल फोन की GMAIL ID और उसका पासवर्ड आपको पहले से कहीं पर लिख के रख लेना, जिससे आप जो है ना अपने फोन को दोबारा से लॉग इन कर पाएंगे उसी ID से, ठीक है ना। तो ये दो बातें रीसेट करने से पहले ध्यान रखनी है। तो ये सारे प्रोसेस आप फॉलो करेंगे तो आपके मोबाइल फोन में नेटवर्क की जो प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी।